क्या पृथ्वी शॉ दिल्ली कैपिटल्स में अपनी शानदार परफॉर्मेंस के जरिए टीम इंडिया में एक बार फिर से वापसी कर पाएंगे? ये फिलहाल बड़ा सवाल है, क्योंकि प्रवीण आमरे जो डीसी के कोच हैं, उनका ये कहना है कि इफ पृथ्वी शॉ प्लेस 30 बॉल दिल्ली कैपिटल्स हैव मोर चांसेस टू विन। बिल्कुल, और यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा कि इन 22 बॉल्स ही गॉट 32 एंड दैट वाज आल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज वी वर चेजिंग हिज एक्सपीरियंस पार्टनर वॉर्नर गॉट आउट एंड दैट आल्सो अलाउड जैक टू सेटल डाउन। बिल्कुल, लखनऊ की अगर बात करी जाए, जो लास्ट मैच खेला गया था वहां पर पृथ्वी शॉ की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही थी और इसी बदौलत दिल्ली जो है ये मैच जीत पाई थी। अब दिल्ली की जहां तक बात है, तो आपको हम बता चुके हैं कि अगर डेविड वॉर्नर की बात करी जाए, मिचेल मार्श की बात करी जाए, दोनों इंजर्ड है, खेलेंगे या नहीं खेलेंगे इस पर अभी कोई फैसला दिल्ली की तरफ से नहीं हुआ है। लेकिन पृथ्वी शॉ की जहां तक बात है, तो उर्विका उनका आईपीएल 2024 में कैसा परफॉर्मेंस आया एक बार ये देख लिया। अगर हम बात परफॉर्मेंस की कर रहे हैं यहाँ पे, तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस उनका नजर आया। लखनऊ के खिलाफ 32 रन बनाए 22 बॉल्स में, मुंबई के खिलाफ 66 रन बनाए 40 बॉल्स में, KKR के खिलाफ 10 रन्स बनाए 7 बॉल्स में, CSK के खिलाफ 43 रन्स बनाए 27 बॉल्स में। बिल्कुल, और जो प्रवीण आमरे हैं, जो कोच हैं, वो यही कह रहे हैं कि हम पृथ्वी शॉ से उम्मीद करते हैं कि वो कंसिस्टेंट रहेंगे, क्योंकि कंसिस्टेंसी जो है वो फिलहाल दिल्ली की टीम में नजर नहीं आ रही है। पंत जब चलते हैं तो बाकी खिलाड़ी नहीं चलते हैं, जब बाकी खिलाड़ी चलते हैं तो पंत नहीं चलते या फिर कोई और खिलाड़ी नहीं चलता है। और गेंदबाजी की जहां तक बात है, तो सिर्फ दो ही मौके ऐसे रहे, चेन्नई और LAC के खिलाफ, जहां पर गेंदबाजी क्लिक हुई है और इसी की बदौलत टीम ने जीत हासिल की है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि डीसी जो है पिछले साल भी 2023 में भी 9वें नंबर पे थी और अभी भी करंटली 9th नंबर पे ही चल रही है। और जहां तक बात है पृथ्वी शॉ की, तो पिछले सीजन में उन्हें बीच से ही हटा दिया गया था क्योंकि प्रदर्शन अच्छा सामने नहीं आया था। मैं आपको बता दूं कि पिछले सीजन यानी 2023 के सीजन में उन्होंने 8 मैचेस खेले थे, जिसमें रन्स जो थे वो 106 रन्स ही बना पाए, बेस्ट 54 का रहा और स्ट्राइक रेट 124। बिल्कुल, साल 2024 यानी कि इस साल की बात करें, तो दो मैचों में पृथ्वी शॉ बाहर रहे थे, उसके बाद जो है उन्हें टीम में शामिल किया गया। परफॉर्मेंस उसके बाद उनका ठीक ठाक कह सकते हैं, या फिर दिल्ली कैपिटल जैसा परफॉर्मेंस कर रही है, जैसा उनके बल्लेबाज परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम अच्छा भी कह सकते हैं। तो जहां तक 2022 की बात है, तो वहां पर किस तरीके से परफॉर्मेंस रहा है वो भी देख लेते हैं। बिल्कुल, 2022 में उन्होंने 10 मैचेस खेले थे, 283 रन बनाए थे, 61 बेस्ट रहा था और स्ट्राइक रेट था 152। बिल्कुल, 2022 जो है मुझे लग रहा है दिल्ली के लिए काफ़ी अच्छा खेलते हुए नजर आए थे, और उसके बाद क्या हुआ था, काफ़ी सारी इंजरीज रहीं, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहे पृथ्वी शॉ, यही रीज़न है कि उनकी परफॉर्मेंस लगातार गिरती रही और टीम इंडिया में जो कमबैक का वो सपना देख रहे थे वो भी नहीं पूरा हुआ था। बिल्कुल, और यहाँ पे कोच प्रवीण क्या कहते हैं उनको लेके, एक बार उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। एज एन ओपनर, शॉ हैज गॉट अ रोल टू प्ले विनिंग द पावर प्ले एंड इज ऑल्सो क्रिटिकल एज अ कोचिंग स्टाफ, वी वॉन्ट हिम टू प्ले एटलीस्ट 30 बॉल्स। बिल्कुल, जहाँ तक आप देखिए आईपीएल में जो मैचेस हो रहे हैं, 6 ओवर में 60 रन आप अगर बना लेते हैं और विकेट नहीं खोते हैं, तो 10 ओवर में 80-90 के करीब जो है वो आप पहुंच जाते हैं, फिर अगले 10 ओवर में आप अगर 100 रन मार लेते हैं तो वो 200 रन के करीब आप पहुंच जाते हैं। और 200 रन फिलहाल आईपीएल में चेज होना बहुत आसान जो है वो नहीं माना जा रहा है। तो ये कुछ दिखाता है कि पृथ्वी शॉ कितने ज़्यादा इस टीम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब खुद पृथ्वी शॉ क्या सोचते हैं ये तो वही जानते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस उनकी डे बाय डे उर्विका बेहतर हो रही है। बिल्कुल, और यहाँ पे दिल्ली के पास जो स्पिनर्स हैं, वो एक बार उनकी भी बात कर लेते हैं। कुलदीप यादव, अक्षर पटेल जो है वो लखनऊ के खिलाफ अच्छा खासा प्रदर्शन देते हुए नजर आए थे, हालांकि जो बैटिंग थी दिल्ली की तरफ से वो कोई खास नजर नहीं आई थी। बिल्कुल, 8 ओवर इन दोनों गेंदबाजों ने कराए थे और उसमें रन बहुत ज़्यादा नहीं दिए थे, 46 रन के आसपास दिए थे। और जहाँ तक कुलदीप यादव की बात है, 3 विकेट 20 रन देखे, अगर कोई स्पिनर इस तरीके की गेंदबाजी करता है तो फिर जो टीम बॉलिंग कर रही है भाई वो तो अच्छा परफॉर्मेंस करती करती है, लेकिन जो ऑपोजिशन है वो भी कहीं ना कहीं बैटिंग उसका कोलैप्स कर जाता है और फिर क्या हुआ LSG के साथ वो आप जानते हैं। बिल्कुल, और यहाँ पे इन्हीं के कोच क्या कहते हैं उसके बारे में फिर से बात कर लेते हैं। वी आर फॉरगेटिंग कुलदीप्स कॉन्ट्रीब्यूशन, ही बोल्ड अ ड्रीम बॉल टू डिसमिस निकोलस पोरन, अक्षर ऑल्सो बोल्ड well in the middle overs giving away just 25 runs off 4 overs। तो जहाँ तक हम बॉलिंग की बात कर रहे हैं, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव ये दोनों भी अब परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं, और बैटिंग की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं दिल्ली पहले से तो अच्छा परफॉर्म कर रही है। जहाँ तक अगर हम टिस्टन स्टब्स की बात करें, वो अच्छा फिनिश कर रहे हैं, और मैक ब्रो जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं जो इस टीम से जुड़े हैं, उनकी बैटिंग की बदौलत जो है वो दिल्ली बड़ी आसानी से जीत पाई थी। तो और प्रवीण आमरे क्या कह रहे हैं, वो कुछ इम्पैक्ट प्लेयर को लेकर बात कर रहे हैं, गेम को लेकर बात कर रहे हैं, वो एक बार देख लेते हैं। उनका कहना है, सो वी वांटेड सम इम्पैक्ट ऑन द गेम, वी हैव टैलेंट बट इट्स इंपॉर्टेंट टू deliver and I think Jack has got that talent so he can be dangerous in this format. Jack got the opportunity today and he grabbed it with both hands.
बिल्कुल उनका कई ऐसी टीमें हैं जिसमें अगर हम मुंबई की बात करें प्लेयर बहुत अच्छे हैं, ऐसे ही दिल्ली में प्लेयर भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब ये प्लेयर एक साथ क्लिक नहीं करते हैं टीमें नहीं जीतती हैं। अब चेन्नई की अगर बात करी जाए तो देखिए ऋतुराज गायकवाड़ को अपॉर्चुनिटी मिलती है, रहाणे को मिलती है, शिवम दुबे को मिलती है, सारे अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं। अब अच्छी परफॉर्मेंस जब टीम की ऐसा यूनिट आती है तो टीम अच्छा परफॉर्मेंस देती है। अब दिल्ली की जहाँ तक बात है तो क्या लग रहा है कि अब आने वाले मैचों में क्या ये टीम क्लिक कर पाएगी, और पृथ्वी शॉ लास्ट सवाल यही है कि अच्छा स्टार्ट दे पाएंगे? बिल्कुल, और मुझे ऐसा लगता है कि मेहनत की ज़रूरत है पृथ्वी शॉ को बहुत ज़्यादा, क्योंकि प्लेयर ये अच्छे हैं। कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो अच्छे होते ही नहीं है, ज़बरदस्ती का उन पर पैसा और टाइम वेस्ट किया जा रहा होता है, लेकिन ये अच्छे प्लेयर है, थोड़ी बहुत मेहनत करेंगे, थोड़ी बहुत और लगन से खेलेंगे तो शायद बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए जुड़े रहिए क्रिकेट इन कनेक्ट से।